नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों फटाफट कॉपी ते पेन चक के यह इंपोर्टेंट आर्टिकल नूं नोट कर लो, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिन्हें भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए ने उन्हां विच संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद रिलेटेड क्वेश्चन आपां नूं देखण नूं मिले ने। इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़े इंपोर्टेंट ने एंड फ्यूचर एग्जाम विच आपां नूं देखण नूं मिल सकते हैं जिहड़े सवाल उही कवर किए हुए हैं। दोस्तों सब तो पहला फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी अधिकार बारे गल करिए, टोटल जिहड़े ये फंडामेंटल राइट ने 6 मौलिक अधिकार ने। इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किन्ने ने, अपना आंसर जो 6 मौलिक अधिकार होगा। इस तो अलावा ये 6 मौलिक अधिकार की गल करिए, सब तो पहले राइट टू इक्वालिटी मतलब बराबर का अधिकार। दोस्तों यह जिहड़ा आर्टिकल 14 तो लैके 18 विच मैंशन किया होया है, तो बराबरी का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 ते 18 विच पूरी तरह मैंशन किया होया है कि सब लोग इक्वल ने, सब नू एक जैसा जिहड़ा व्यवहार सा कानून द्वारा किया जाएगा। कहने का भाव दोस्तों भारतीय संविधान विच किसी भी कैटेगरी का किसी भी इंसान नू ऊंच नीच की भावना नाल नहीं देखा जा सकता। दोस्तों याद रखने वाली गल इस विच यह है कि जो क्वेश्चन बन जाता है राइट टू इक्वालिटी किहड़े आर्टिकल विच मैंशन की गई है, तो 14 तो लैके 18 नंबर ऑफ आर्टिकल विच ही मैंशन की हुई है। तो सैकेंड फंडामेंटल राइट की गल करिए राइट टू फ्रीडम आजादी का अधिकार, दोस्तों यह आर्टिकल 19 तो लैके 22 विच ही मैंशन किया होया कि हर देश के नागरिक को पूरा आजादी के तौर पर बोलन का अधिकार है, आजादी के तौर पर कितने भी जा सकता है तो कितने भी आ सकता, जो भी भारत का नागरिक है उसनों देश में पूरी तौर पर आजाद रहने का पूरा हक है। एंड थर्ड फंडामेंटल राइट की गल करिए शोषण विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 या 24 विच मैंशन किया हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कितने भी तुसी अपराध हों देख रहे हो या किसी का शोषण हों देख रहे हो तो तुसी उस दे विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हो। एंड फोर्थ अधिकार की गल करिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपू जे आप भारत देश के नागरिक हाँ तो धर्म की आज़ादी है, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं तो कोई भी धर्म में आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस बारे आर्टिकल 25 तो लैके 28 विच यह मैंशन किया हुआ है कि कोई भी नागरिक अपने मन के अकॉर्डिंग धर्म को अपना सकता है या छड़ सकता है। तो फिफ्थ फंडामेंटल राइट की गल करिए राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, सिक्ख्या ते सभ्याचार का अधिकार, दोस्तों कोई भी नागरिक है उसनों जे वो सिक्ख्या क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होना चाहता है तो वह हो सकता, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो अपने कल्चर को जिवें मर्जी प्रेजेंट कर सकता है। यह आर्टिकल 29 तो लैके 30 विच यह मैंशन किया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो सिक्स्थ जिहड़े अपने राइट की गल करिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधानक उपाय का अधिकार, दोस्तों भी आपां नूं जिहड़े बुनियादी अधिकार ने फंडामेंटल राइट्स से इन्हां तों रोकदा, इन्हां नूं मतलब कि आपां फॉलो करन तों रोकदा जां इन्हां दे अगेंस्ट, जे आपां एग्जाम्पल दे तौर ते आपां जे धर्म दी परवर्ती कर रहे हैं तो जो कोई अपने रोकता है कि तुसीं इह नहीं कर सकते तुसीं इस धर्म दे हो तां इस धर्म विच ही रहोगे, तो जिहड़ा सिक्स्थ राइट अपना फंडामेंटल टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी, यह आपां नूं अधिकार दवांदा है कि आप इस उस इंसान के विरुद्ध जां उस कम्यूनिटी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इस दे अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं जां उस ते केस कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे आर्टिकल 32 यानी 32 विच मैंशन किया हुआ है कि आप अपने जिहड़े भी मौलिक अधिकार दा उसका अपना बचाओ किवें कर सकते हैं। और दोस्तों इस तो इलावा थोड़े होर जो आर्टिकल्स ने इन्हों भी ध्यान में रख लो, तो एक बार चंकी तरह इन्हों का स्क्रीनशॉट लैके अपने ज नोटबुक से लिख के चंकी तरह इन्हों रीड कर लो। और दोस्तों सारे जोड़े इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ने उन्हों की एक मैं PDF फाइल बनाई हुई है, जोड़े मेन एग्जाम रिलेटड काफ़ी इंपोर्टेंट ने उन्हों की PDF फाइल थोड़ा मिल जूगी। दोस्तों यह PDF फाइल बनाने से थोड़ा टाइम भी लगता है तो थोड़ी जी मेहनत भी लगती है, तो करके सिर्फ 20 रुपये यह परचेज करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम उपर मैसेज कर सकते हो जां अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में लिख दो, मैं तुम्हें यह सेंड कर देंगा। ओके दोस्तों यह कुछ होर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ने, इन्हों का स्क्रीनशॉट लै लो तुम तो एक बार चंकी तरह रीड कर लो, बाकी नैक्सट वीडियो में मैं तुम्हें चंकी तरह यह समझा देंगा कि किस तरह इन्होंने मैंशन है तो इसका आर्टिकल का मतलब की है, तो आप अपनी रोजाना लाइफ में इन्हों का किमें यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जे तुम्हें इस टाइप का स्टडी मटीरियल वीडियोज़ में चाहिए है तो वीडियो में कमेंट कर दो, ता ही मैं थोड़ी डिमांड से नैक्सट वीडियो तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता, जे कोई रिस्पोंस नहीं आता तो मैं वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं करता, तो करके जे तुम्हें यह पसंद आता यह मटीरियल तो कमेंट जरूर कर दो, नैक्सट वीडियो तुम्हें प्रोवाइड हो जाऊगी। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है।